हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं भुट्टे और आलू की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी टिक्कियाँ। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक कुकर लिया है, इसमें एक कप से हमने भुट्टे के दाने डाल दिए हैं, मक्के के दाने। और इसी के साथ यहाँ पे 4 से 5 हम आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से धो लिया है छील के, तब मैंने यूज़ किया है। और इसमें अब 1 कप के करीब ही मैंने पानी डाल दिया है, 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। एक बार इसे मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और इसमें हम 4 से 5 सीटी मीडियम आंच पे लगा लेंगे। तो ये इसको मैं उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो 5 सीटी लगने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, कुकर को ठंडा होने दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आलू भी अच्छे से पक गए हैं। आलू को हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में, और जो भुट्टे के दाने हैं वो भी पक गए हैं, उनको हम एक दूसरी छलनी में निकाल के रख लेते हैं। जो कि पानी इसमें होगा वो अलग हो जाएगा और भुट्टे के दाने भी अच्छे से हमारे ठंडे हो जाएंगे। तो इसको ठंडा करना है अच्छे से, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो दोनों चीज़ को हम पहले ठंडा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम ये भुट्टे के दाने डालते हैं और इसको हमने पीस लेना है हल्का दरदरा सा। 2-4 चम्मच पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए इस तरीके से हल्का दरदरा सा मैंने इसे पीस लिया है मिक्सी को रोक रोक के। 2-3 चम्मच पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो जो बाकी के भुट्टे के दाने हैं उसमें मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया उसे, और उसी में मैंने 4 हरी मिर्च भी डाली है। और इसे भी हल्का दरदरा सा ही देखिए पीस के तैयार कर लिया है। इसी के साथ इसे भी मिक्स करेंगे। तो आज इस नाश्ते में मैंने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। और अब जो आलू हमारे थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसे भी इसी के साथ इसमें मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे हम इसमें नमक डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर डाला है। तो लाल मिर्च मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, क्योंकि जो हरी मिर्च डाली है ना वो काफ़ी तीखी है। और ये मैंने यहाँ पे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 4 चम्मच चावल का आटा इसमें ऐड किया है। और ये जो डाल रही ना ये है अजवाइन की पत्तियाँ, और 1 छोटी चम्मच से चिली फ्लेक्स। अगर अजवाइन की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप यहाँ पे ओरिगेनो डाल सकते हैं, अगर ओरिगेनो भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, बिना उसके भी बना सकते हैं। अब हाथों से इसे बढ़िया से हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। हाथ साफ़ करने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी हम टिक्की या फिर कटलेट बना के तैयार करेंगे। आप चाहें ना तो इसके छोटे छोटे से बॉल भी बना सकते हैं, उसके अंदर चीज़ भी स्टफ़ करके आप इसे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है उस तरीके से भी। या फिर इसे सिंपल टिक्की कटलेट जैसा भी आप बना सकते हैं। तो ये ना मैंने थोड़ा सा चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके ले लिया है, और इस तरीके से मैंने इसे इसमें कोट कर दिया है। और इसी तरीके से हम सारा नाश्ता बना के अपना तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, और बहुत टेस्टी भी बनते हैं, और बिल्कुल कम चीज़ों के साथ भी बनता है। तो आप इसे ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा बना लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने एक छोटी सी टिक्की बनाई है, इसको मैं पहले डाल के एक बार चेक कर लेती हूँ कि तेल में फट तो नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हो रहा है, और इसके साथ ही हम बाकी की टिक्कियाँ भी देंगे जितना कि आराम से एक बार पैन में आ जाए। और इसे मीडियम आंच पे हमने पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, और जैसे ये नीचे से थोड़ा पकेगा उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे, और एकदम लगातार चलाते चलाते नहीं रहना है, थोड़ा देर इसे पकने देंगे उसके बाद इसे हम चलाएंगे। तो जो छोटा वाला पहले डाला था वो अच्छे से पक गया, उसे निकाल लेंगे और इसे भी अच्छे से हम दोनों तरफ से बढ़िया से पकने देंगे। तो ये अच्छे से पक चुका है, देखिए बढ़िया सा कलर भी इसमें आ गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारा नाश्ता अपना बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चटपटा सा भुट्टे और आलू की टिक्की बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। इसे आप अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।